बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कटनी मध्य प्रदेश जिला कटनी गल्ला मंडी में सुकृत शर्मा जी रहते हैं। उनका एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः आप सभी के लिए बड़ा अटपटा लगेगा। उनका प्रश्न है, गुरु जी लोग कहते हैं मुस्लिम धर्म ईसाई धर्म वर्तमान में कुछ ये धर्म फैले हुए हैं और एक हमारा धर्म, तो ये धर्म ये कभी कोई भी व्यक्ति प्रकट कर सकता है क्या? ईसा मसीह से ईसाई धर्म शुरू हो गया, मोहम्मद साहब से मुसलमान धर्म शुरू हो गया, तो कोई भी आदमी इस धरती में आगे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, तो क्या कभी भी कोई भी धर्म बनाया जा सकता है क्या? और यदि कोई धर्म बनता है तो इसका मतलब नष्ट भी किया जा सकता है क्या? शुक्र शर्मा जी का यह प्रश्न है। तो सुकृत शर्मा जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप जिसको धर्म शब्द से कह रहे हैं, धर्म शब्द संस्कृत शब्द है। इसका मतलब ये निकला कि संस्कृत भाषा में जो भी वेद पुराण है, स्मृतियां हैं, उनमें जो मनुष्यों के जीवन जीने के लिए स्त्रियों के पुत्रों के माता पिता के पति पत्नी के जो जीवन में सदैव सुखी रहने के लिए जो कर्तव्य लिखे गए हैं, उनको ही संस्कृत भाषा में धर्म कहते हैं। ईसाई लोग अपने संप्रदाय को धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते, हिंदू लोग ऐसा कह रहे हैं। समझ में आई ना बात? ईसाई धर्म बाइबल है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ईसाई धर्म है। ईसाई कोई नहीं कहता है कि यह धर्म है। मुसलमानों के लिए हम कह रहे हैं, हिंदू के लोगों को शब्द का ज्ञान नहीं है ना, तो हिंदू के पास मात्र शब्द है धर्म शब्द है, लेकिन उर्दू वाले उसको धर्म शब्द का उपयोग कैसे करेंगे भाई? इसलिए वो लोग मजहब शब्द प्रयोग करते हैं। इस्लाम एक मजहब है। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा में आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आप दूसरे के लिए ऐसा कह रहे हैं। इसलिए हिंदू लोग कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म है, इस्लाम वाले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस्लाम शब्द तो है उर्दू, लेकिन धर्म शब्द तो संस्कृत शब्द है ना, तो वो लोग क्यों धर्म शब्द को जोड़ेंगे उसमें? ईसाई शब्द यहूदी भाषा का है, तो यहूदी लोग कहते हैं ईसाई और ईसाइयत, लेकिन वो तो धर्म शब्द को जानते तक नहीं है, तो वो क्यों कहेंगे ईसाई धर्म? इसका मतलब है कि उसको हम धर्म कह रहे हैं। हिंदू लोग इस्लाम को धर्म कहते हैं, इस्लाम उसको धर्म शब्द से नहीं कहते, और मजहब का पर्यायवाची धर्म शब्द नहीं है। ईसाई के यहां कहा जाने वाली ईसाइयत, ये उनके यहां धर्म शब्द, ये दो भाषा अलग अलग है। धर्म शब्द का प्रयोग आप संस्कृत वाले करते हैं, और जो दूसरे भाषा के संप्रदाय है वो लोग उसको दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो एक दूसरे का पर्यायवाची भी नहीं है। पर्यायवाची समझते हैं किसे कहते हैं? सूर्य शब्द है। आज सूर्य शब्द संस्कृत का है, आपसे कहा जाएगा कि सूर्य शब्द के पर्यायवाची लिखिए, तो सूर्य जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा के पर्यायवाची आप लिखेंगे। दिवाकर, प्रभाकर, दिलकर कहेंगे ना, दूसरी भाषा के शब्द सूर्य के वाची होंगे होंगे, लेकिन ध्यान रहे सूर्य के लिए जो शब्द का प्रयोग
इस्लाम में किया जाता है या ईसाइयत में किया जाता है वो सूर्य का ही पर्यायवाची तो बन सकता है, लेकिन धर्म शब्द का पर्याय इस्लाम और ईसाई नहीं बन सकता। समझ में आया? क्योंकि धर्म शब्द का प्रयोग तब से हुआ है जब ना तो ईसाई उत्पन्न हुए थे और ना ही पारसियों का सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें अवेदस्ता शब्द कहा जाता है, उसमें कुछ अवेदस्ता, तो पारसी भी नहीं थे उस समय। तो जब पारसी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, तो फिर ये धर्म शब्द का प्रयोग उनकी भाषा में क्यों होगा? इसका मतलब है कि जिस भाषा का जो एक पंथ है, वो पंथ का अर्थ हमारे यहाँ हिंदी में होता है मार्ग। जैसे कबीर के लोग क्या कहते हैं, कबीर पंथी। कबीर ने जो बताया वो एक मार्ग है, कबीर पंथ है वो। गुरु नानक जी ने जो बताया वो मार्ग एक बताया, तो मार्ग का निर्माण नहीं किया ना, इसका तात्पर्य है मार्ग पहले से था, बताने वाले हैं ये। हमसे कोई वृंदावन में पूछे कि बिहारी जी का रास्ता किस तरफ है, तो हम बिहारी जी का रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन बिहारी जी का रास्ता निर्माण करने वाले नहीं है। इसलिए जो सनातन धर्मी लोग हैं, अर्थात हिंदू लोग हैं, वो लोग इस्लाम में धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस्लाम वाले लोग धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते। कोई इस्लाम नहीं कहता कि हम जो है इस्लाम धर्म के लोग हैं, क्योंकि धर्म शब्द संस्कृत में है, तो जिस भाषा में जो शब्द रहता है उस भाषा में ही वो उसका प्रयोग होता है। इसलिए इस्लाम में धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और मजहब नहीं किया जाता है। तो मजहब हमारे यहाँ कैसे कह सकते हैं, हिंदू मजहब। तो यदि हम लोग सनातन मजहब शब्द नहीं प्रयोग कर सकते तो इस्लाम धर्म का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्यों कहेंगे सनातन मजहब, क्योंकि उर्दू मजहब शब्द है, सनातन शब्द संस्कृत है, सनातन शब्द के साथ हम मजहब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग नहीं करते, उनके यहां दूसरे शब्द हैं। हमारे यहां जो कबीर हैं, गुरु नानक देव हैं, ये सब महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ वो पंथ है एक प्रकार का। वो वास्तव में, अब धर्म शब्द का प्रयोग समझिए क्या चीज है धर्म। श्रीमद् भागवत के छठवें स्कंध में प्रारंभ में ही एक ब्राह्मण देवता का प्रसंग आता है, अजामिल का। अजामिल के प्रसंग में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसने जब नारायण नाम लिया, जबकि नारायण नाम उनके पुत्र का था, तो यमदूतों के सामने नारायण दूत आ गए और उन्होंने उनको लौटा दिया और अजामिल को भी छोड़ दिया, ले भी नहीं गए। तो यमदूतों ने जाकर के यमराज से पूछा कि आपने जो हमें आदेश दिया था उस आदेश का पालन करते हुए हम लोग गए। तो वास्तव में कति संतीह शास्तारा, इस संसार के जीवों पर उनके कर्म का निर्णायक कितने शास्त्रार्थ, अर्थात शासन करने वाले कितने हैं, और ये क्या धर्म है, धर्म क्या है, क्या धर्म मनुष्य ने बनाया है, क्या मनुष्य धर्म बनाते हैं? तो यमराज ने कहा श्रीमद् भागवत के छठवें स्कंध के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक देखिए आप। यमराज जी ने कहा कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, बिल्कुल संस्कृत में और हिंदी में यही अंतर है
कि अशुद्ध संस्कृत का नाम हिंदी है और शुद्ध हिंदी का नाम संस्कृत है। तो धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम मनुष्य नहीं बनाता। क्यों? बोले जब भारत स्वतंत्र हुआ था अपना, तो यहां का कानून किसने बनाया था? भारतीयों ने ही तो बनाया। तो भारत का कानून भारत के लोगों ने बनाया। तो संसार यदि मनुष्य बनाता होता तो संसार धर्म बनाता। मनुष्य ने संसार को नहीं बनाया, इसलिए संसार का धर्म भी कैसे बनाएगा वो? कि ब्राह्मण को कैसे चलना चाहिए, पिता को कैसे चलना चाहिए, पुत्र को कैसे चलना चाहिए, पत्नी को कैसे चलना चाहिए, यही तो धर्म है ना। कर्तव्य के निर्देश को धर्म कहते हैं। तो संसार क्या किसी मनुष्य ने बनाया है? नहीं। तो इसीलिए कहा कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए संसार को कैसे चलना चाहिए ये ही धर्म है और वो भगवान ने ही बनाया है। बोले संपूर्ण संसार के संपूर्ण धर्म को कौन जानता है इस धरती में? है कोई ऐसा? बोले बनाने की बात छोड़ो, संपूर्ण धर्म का ज्ञाता नहीं है कोई। न वही विदुर ऋषयो न अपि देवाः। ऋषयः न विदु। इस संसार के लिए जो कर्तव्य निर्णय किए गए हैं उसको धर्म कहते हैं, और उस धर्म को, संपूर्ण धर्म को ऋषि भी नहीं जानते। और नापि देवाः, देवता भी संपूर्ण धर्म को नहीं जानते। न सिद्ध मुख्याः असुराः मनुष्याः कुतश्च विद्याधर चारणादया। जिस धर्म के तत्व को पूर्ण रूप से ऋषि नहीं जानते, देवता नहीं जानते, तो फिर सिद्ध एक जाति है देवताओं की, गंधर्व जाति है देवताओं की, जो नाचने गाने वाले होते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं। और असुर और मनुष्य शब्द का प्रयोग किया, न सिद्ध मुख्याः असुराः मनुष्याः। सिद्धगण, असुरगण और मनुष्यगण भी नहीं जानते, तो कुतश्च विद्याधर चारणादया। चारण माने होता है दूसरे की प्रशंसा करने वाले, चाटुकार। तो राजाओं की ड्यूटी में जाकर के राजाओं की वंशावली को बोलने वाले चारण कहां से जानेंगे धर्म? और विद्याधर, गान विद्या में कला में निपुण, तो जो गान विद्या और कला में निपुण है, जो नाचने गाने में निपुण है, दूसरे की प्रशंसा करने में निपुण है, वो ऐसे वो लोग कहां से जान जाएंगे कि धर्म क्या चीज है? पहली श्रेणी है किनकी? ऋषियों की। अर्थात ऋषि भी संपूर्ण धर्म को नहीं जानते। फिर दूसरी श्रेणी है देवताओं की, ये बात ध्यान रखिएगा। देवताओं को धर्म का नहीं, ऋषियों को प्रमाण माना जाता है, देवताओं को नहीं। इसलिए हमारे यहां मनु स्मृति, महाराज मनु के द्वारा लिखी गई स्मृति मान्य है। देवताओं ने किसने स्मृतियां लिखी है? श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्र तु वै स्मृति। स्मृति को धर्म शास्त्र कहते हैं और श्रुति माने वेद। तो धर्म के विषय में अधिक से अधिक कोई जानता है तो ऋषि, देवता भी नहीं जानते। तो बाकी मनुष्यों की असुर माने जानते हैं, जो मात्र स्त्री और धन और संसार के पदार्थों का उपभोग जबरदस्ती बलात् करते हैं, उनको असुर कहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये सब असुर थे। इनको परिश्रम करके धन नहीं कमाना है, इनको जबरदस्ती अपने बल पर छीना झपटी करना है। तो इसका तात्पर्य समझ रहे हैं, जिस धर्म के विषय में ऋषि और देवता नहीं जानते, तो असुरों की फिर शब्द है मनुष्या कुता। और मनुष्य और सिद्ध लोग भी नहीं जानते, तो कुतश्च विद्याधर चारणादया। तो ये जो विद्याधर गान विद्या में निपुण है, नाचने गाने में निपुण है, ये लोग कैसे धर्म का निर्णय कर सकते हैं? कोई नहीं जानता। और यदि सबसे अधिक जानते हैं तो यमराज ने कहा इतने लोग जानते हैं,
20वां श्लोक, स्वयंभू नारदः शंभू कुमारः कपिलो मनु। स्वयंभू साक्षात ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा जानते हैं, नारद जी शंभू माने शंकर जी, कुमार माने शरद कुमार सनंदन सनातन शरद कुमार, और भगवान कपिल देव महाराज मनु, और प्रहलादो जनको भीष्म, और प्रहलाद जी और महाराज जनक और भीष्म, और बलिर वैयास किर वयम। सुखदेव जी ने कहा वयम, मैं जानता हूं, महाराज बलि और वैयासकी व्यास जी के पुत्र सुखदेव। तो क्या बोले, द्वादशैते बिजालीवो धर्म भागवतम भटाह। द्वादशैते ये 12 लोग ही हम लोग हैं जो धर्म को अच्छी प्रकार से जानते हैं, भागवत धर्म कोई नहीं जानता। भगवान से संबंधी धर्म को जानना बहुत कठिन है। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृत मश्नुते। गुह्यम, गुहा माने होता है गुफा, पर्वत की गुफा में कोई चीज छिपा के रखा है, कौन ढूंढे किस पर्वत की किस गुफा में छिपा हुआ है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गुहायां का अर्थ किया कठोपनिषद में, विदुषां बुद्धौ, जिन्होंने परंपरा से वेद का अध्ययन किया धर्म का अध्ययन किया, उनकी बुद्धि में धर्म का रहस्य छिपा हुआ है। और सुदुर्बोधम, यदि आपको धर्म के विषय में जाना भी बताया भी जाए ना, तो दुर्बोध नहीं सुदुर्बोध, सु लगा दिया, अर्थात धर्म के विषय में निर्णय करना अत्यंत कठिन है। और यम ज्ञात्वा मृत मश्नुते, धर्म उसे कहते हैं जिसको जानने से इसके बाद आदमी को संसार में जन्म मरण नहीं होता। अमृत मश्नुते, अमृत को प्राप्त माने अमर हो जाता है अंतिम। इसलिए भागवत धर्म हो कोई धर्म हो, ये कोई मनुष्य निर्माण नहीं करते, और मनुष्य निर्माण करता तो बहुत ही गड़बड़ी होती। तो ये क्या है, बोली ये सब वो मनुष्य है जिनमें 150 लोग मिल गए, लीजिए हो गया, उन्हें जो परंपरा चला दी, जो प्रथा चला दी। इसलिए संसार में धर्म तो वही है जो सृष्टि से और अभी तक है, और ये जो अभी छोटे मोटे बीच में प्रकट हो गए वो हिंदू लोग कह रहे हैं कि वो धर्म है, वास्तव में वो लोग धर्म शब्द का प्रयोग करते ही नहीं, वो क्यों करेंगे। धर्म शब्द संस्कृत का है, और वो लोग दूसरे ही मान्यता वाले हैं। वो जिस ईश्वर को मानते हैं उनके मत में ईश्वर निराकार है, कोई आकार नहीं, उसके हाथ पैर इत्यादि मुख नाक कुछ नहीं है। इसकी पूजा पद्धति तो है, अगरबत्ती भी लगाएंगे, चद्दर भी चढ़ाएंगे, बाजार भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, आकृति तो देते हैं, लेकिन हम लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन है वो वही, वो लोग उसमें उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो निराकार उपासक है, भगवान गीता में कहते हैं कि बहुत कष्ट उठाते हैं उन लोगों को, नहीं हो सकता है। क्लेशो अधिक तरसते व्यक्ता सख्त चेतसा, जिन लोगों का चित्त अव्यक्त माने निराकार में स्थित है, वो क्लेशो अधिक तरह, उनको उसको जानना इससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए आप लोग उसमें धर्म का प्रयोग करते हैं, वास्तव में वो लोग इसमें धर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति कर्तव्य और नियम संयम तितिक्षा पूर्वक जिनको धारण करता है उसको धर्म करते हैं, और जो धर्म आचरती धर्म का, जो धर्म का आचरण करता है उसको ही धार्मिक कहते हैं, और जो अपने कर्तव्य धर्म का आचरण नहीं करता उसको अधार्मिक कहते हैं। इसलिए और कोई धर्म है ही नहीं, है ही नहीं। मात्र धर्म शब्द का प्रयोग संस्कृत निष्ठ संस्कृत ग्रंथों में लिखा हुआ सनातन धर्म है, वही धर्म है, शेष तो पंथ है, मार्ग है। पंथ माने एक रास्ता है, तो आप उस रास्ता को
चुनेंगे, लेकिन वास्तव में स्वेच्छा से चुना हुआ मार्ग ही मार्ग होता है, और जबरदस्ती किसी को हाथ पैर पकड़ के ले जाओ वो मार्ग नहीं है, ना तो उससे कोई लाभ है और ना ही ये धर्म है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।